5G टेस्टिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने दिल्ली में बैठकर स्वीडन में चलाई कार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को देश में 5G लॉन्च कर दिया है। इस दौरान उन्होंने 5G तकनीकी को न सिर्फ समझा बल्कि उनका इस्तेमाल भी किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली में बैठे बैठे स्वीडन में मौजूद एक कार को ऑपरेट किया। यही बात लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे प्रधानमंत्री ने दिल्ली में बैठकर स्वीडन में कार चलाई। बता दें कि 5G सेवा को लॉन्च करने से पहले पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय मोबाइल कांग्रेस के 6th संस्करण का उद्घाटन किया। यहां पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने पीएम मोदी को 5G सेवाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर जायजा लिया और बता दें कि पीएम मोदी दिल्ली में बैठे रहे, उनके हाथ में एक वीडियो गेम में इस्तेमाल होने वाला कार गेमिंग कंसोल था जिसमें ब्रेक, स्टीयरिंग और क्लच भी था। पीएम स्क्रीन में देख रहे थे और स्क्रीन में उन्हें विजुअल्स दिखाई दे रहे थे। वीडियो को देखने के बाद काफी लोगों को लगा पीएम मोदी 5G का टेस्ट कोई गेम खेलकर कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी कोई वीडियो गेम नहीं खेल रहे थे बल्कि दूसरे देश में असली कार को भारत से ऑपरेट कर रहे थे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने ऐसा कैसे किया। दिल्ली में बैठकर यूरोप के स्वीडन में मौजूद कार को पीएम मोदी ने ऑपरेट किया और ये मुमकिन हुआ 5G टेक्नोलॉजी से। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पीएम मोदी स्वीडन में कार को एक गेमिंग कंसोल जैसे दिखाई देने वाली डिवाइस से कंट्रोल कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पीएम मोदी ने एरिक्सन कंपनी के बूथ को देखने के लिए गए, जहां उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी का खुद इस्तेमाल किया। 5G की मदद से पीएम ने यूरोप में मौजूद कार को इंडिया से ऑपरेट किया। इसके अलावा भी उन्होंने 5G से कंट्रोल होने वाले अन्य आधुनिक गैजेट्स को भी खुद टेस्ट किया। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री की एक तस्वीर शेयर की और लिखा, भारत दुनिया चला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की 5G तकनीक का उपयोग करके दिल्ली से दूर यूरोप में कार चलाने का प्रशिक्षण करते हैं। बता दें कि 5G इंटरनेट सर्विस में 4G से 10 गुना ज्यादा स्पीड मिलेगी, जिससे लोगों को इंटरनेट एक्सेस करने और मूवी, गेम्स, ऐप और अन्य चीजों को डाउनलोड करने में बहुत ही कम समय लगेगा। मोबाइल में इंटरनेट की स्पीड बढ़ने से इंटरनेट पर आधारित बहुत सारे काम और भी आसान हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े देशहित न्यूज के साथ धन्यवाद।